तो हेलो जी, कैसी अपनी YouTube फैमिली है, होप कि आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहने चाहिए। तो आपका होस्ट और आपका दोस्त हाजिर है कौन है देने को नई वीडियो में, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आप लोग भी सोच रहे होंगे आज का ब्लॉग भाई कहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ आज का ब्लॉग हम लोग अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई गाँव से। पीछे आप लोग देख रहे हो भाई हमने कौ वगैरह बांध के रखी जहाँ में, तो ये घर काफ़ी पुराना है भाई हमारा, जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, तो ये वो घर है भाई अपना। तो देख सकते हो जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, जहाँ पे हमने अभी कौ वगैरह बांध के रखी है। तो भाई मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कुछ भाई फैमिली रीजन, जैसे कि घर का काम वगैरह लगा रखा है, तो मटेरियल वगैरह हमें घर पहुँचाने में दिक्कत वगैरह आ रही थी, क्योंकि चलते भाई आपका भाई घर गाँव में आ चुका था, तो जहाँ पे ब्लॉग वगैरह बनाने का टाइम नहीं लगता। अगर टाइम लगता है तो भाई जहाँ पे नेट की इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है, जहाँ पे 3G चलता है, 3G या 4G वो भी इतनी हाई स्पीड नहीं है, मैक्सिमम कम ही स्पीड है उसकी, तो ब्लॉग वगैरह अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल आज का ब्लॉग हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा टूर कराते हैं भाई आपको घर का, तो कहाँ से क्या क्या स्टार्ट करा है और कहाँ से हम लोग कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। पीछे आप लोग कौ देख रहे हो भाई अपनी बिंदु को, बिंदु नाम रखा हमने इसका कौ का, तो ये भी भाई अपनी पूरी बातें वगैरह सुन रही है। फिलहाल आपको टूर कराते हैं भाई अपने घर का। तो हेलो जी, सामने देख सकते हो भाई जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, तो जहाँ पे हमने भाई कौ वगैरह बांध के रखी है अभी, तो अभी हमने भाई दूसरे घर से सामान निकाल के जहाँ पे लगाया वो देख सकते हो काफ़ी गंद वगैरह पड़ा हुआ है भाई। तो ये लकड़ियाँ वगैरह काट के हमने दरवाजे वगैरह बनाने के लिए रखी हुई थी कुछ, तो काफ़ी भयानक वाला गंद पड़ा हुआ है। 2-4 दिन से भाई घर वगैरह आए हुए हैं, घर आए हुए हैं आपका भाई, तो भाई जहाँ पे लाइट वगैरह काफ़ी बंद है और भाई बड़ी भयानक वाली गर्मी पड़ रही है। सामने देख सकते हो अपना मटेरियल वगैरह पहुँच चुका, तो बताते हैं भाई आपको आगे कहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट करी थी, तो कहाँ तक पहुँचे हम लोग, गाँव से इसी घर से लेके भाई सिटी तक का सफर रहने वाला अपना। तो पूरे सफर के बारे में बताते हैं भाई आप सभी को, कैसे भाई कैसे क्या करा और कैसे आपका भाई सिटी में पहुँचा है, जाके जोमाटो स्विगी में जाके राइडिंग स्टार्ट करी, ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। तो पीछे अपने आम का पेड़ है, आम वगैरह लगे हुए हैं। तो हेलो जी भाई, आज तक मैं जितनी बार भी गाँव आया हूँ सिर्फ आपको गाँव तक आने का सफर बताया, आज मैं आप सभी को बताऊँगा भाई अपना घर कैसे बना हुआ है, तो भाई क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं, क्या क्या बनने जा रहा है। तो पीछे आप सब लोग देख सकते हो भाई हमने इसके ऊपर छतरी डाली हुई है, अभी तक हमने इसके ऊपर भाई टीनें डाली हुई हैं। तो जब आपके भाई ने स्टार्टिंग में जोमाटो में काम करा था, कुछ सेविंग वगैरह करके रखी थी, तो भाई तब हम मैंने सोचा था कि भाई छत वगैरह डालेंगे, थोड़े थोड़े पैसे डालेंगे सारे घर वाले, तो तब हमने सोचा था कर देंगे। लेकिन आपके भाई ने सोचा क्यों ना भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट करी जाए, तो ब्लॉगिंग में करियर बनाया जाए अपना, तो तभी आपके भाई ने भाई गोप्रो करा, गोप्रो परचेज करा 40,000 का, कुछ सेविंग वगैरह थी उसी में से भाई थोड़े से पैसे बचे हुए थे जो सेविंग वगैरह करके रखी थी, जिसमें 30,000 का भाई iPhone 7 परचेज करा। देख सकते हो आपके भाई ने जो घर बनाने के लिए पैसे रखे थे वो इन्वेस्ट कर दिए भाई सब सारे के सारे अपनी ब्लॉगिंग के लिए। और गाइस 2 साल हो गए अपने को कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रहा है आपका भाई, लेकिन फिर भी आज तक अपना चैनल वगैरह मोनेटाइज नहीं हो पाया। तो आप सभी से भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और अपना चैनल वगैरह मोनेटाइज वगैरह हो जाए। अभी मैं आप सभी को दूसरे कैमरे से शूट करके बताते भाई अपने घर कैसा लगता है। तो भाई सामने देख सकते हो भाई ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं, हमने कुछ कपड़े वगैरह पुराने बाहर निकाले हुए, चूहों वगैरह ने काट के रख दिए हैं। तो भाई जब आपके भाई ने GoPro परचेज करा था, GoPro के साथ साथ अपनी इनस माफिया की EMI जाती थी जो कि मंथली कटती थी, तब इसकी 6500 जो है EMI थी, 3000 इसकी EMI थी, जब मेरे को पड़ा था 40,000 का, और भाई उसका भी काफ़ी डेढ़ साल का केस था भाई अपनी इनस माफिया का। तो जो कुछ सेविंग वगैरह थी वो GoPro में इन्वेस्ट कर दी और iPhone में इन्वेस्ट वगैरह कर दी, हेलमेट वगैरह ले ली स्टडी की 2500 की, तो काफ़ी मोटी इन्वेस्टमेंट करी है गाइस आपके भाई ने। तो काफ़ी दुख भी लगता है जब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है लेकिन आज तक भी अपना चैनल वगैरह जो है मोनेटाइज नहीं हुआ है, और 2 साल से आपका भाई कंटिन्यू मेहनत कर रहा है। तो अभी कभी कभी सोचता भाई क्यों ना अपना GoPro वगैरह सेल वगैरह कर दिया जाए, तो हेलमेट वगैरह भी सेल कर देंगे साथ में, हम अपनी नॉर्मल हेलमेट और नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड वगैरह बोलते हैं अगर तूने इतना हार्ड वर्क करा भाई आज नहीं तो कल तेरा चैनल वगैरह मोनेटाइज हो जाएगा। तो घर देख सकते हो भाई घर के ऊपर हमने टीनें वगैरह डाली हुई हैं, जो सेविंग आपके भाई ने घर बनाने के लिए हमने करी थी, तो जो घर बनाने के लिए सेविंग वगैरह करी थी उससे भाई GoPro वगैरह हेलमेट iPhone वगैरह परचेज कर लिया आपके भाई ने। तो फिलहाल देखते हैं अभी कुछ सेविंग वगैरह करी है तो उससे घर वगैरह बनाएंगे, पर ज़रूरत पड़ने पर हम लोग अपना GoPro वगैरह भी सेल कर देंगे और हेलमेट और बाइक भी सेल करनी पड़ेगी भाई अगर ज़रूरत पड़ी हमें तो, नहीं तो गाइज आप लोग बाइक को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो इस जे ब्लॉग से अपना जो चैनल वगैरह मोनेटाइज हो जाए।